दिशा अगर हमने क्रोध को और कषायों को देना सीख लिया तो देर नहीं लगती जीवन को संयमित होने में। एक उदाहरण है, जल्दी बात समझ में आ जाएगी। नया नया विवाह हुआ था उस नव युवक का, और वो मुनिजनों के प्रवचन सुनकर के वापिस लौटा तो जीवन साथी ने कहा कि तुम रोज प्रवचन सुनने जाते हो, हमारा भैया भी मिलता होगा वहां पर, वो भी रोज सुनने जाता है प्रवचन। हाँ मिलता तो है। तो बात आगे बढ़ी, जीवन साथी ने कहा कि हमारा भैया सोच रहा है कि वो मुनि बने। इस नव युवक ने सुना तो जोर से हंसा, बोले हंसते क्यों? बोले मैं इसलिए हंस रहा हूं कि उसके बस का नहीं है मुनि बनना, क्योंकि जो सोचता है वो बनता नहीं है। अरे ऐसी भी कोई बात होती? बोले हाँ, अगर बनना है तो बन क्यों नहीं जाते, मना किसने किया, सोच क्यों रहे हो? जब भूख लगती है तो क्या सोचते हैं कि खाना खाऊं? खा लेते हैं। जब कभी कोई कड़ी बात कह देता है तो क्या सोच सोच के गुस्सा करते हैं, तुरंत कर लेते हैं? बताओ आप। तो जब कोई हमें कड़ी बात कहता है और हम बिना सोचे उस पर गुस्सा कर लेते हैं, तो हमारे मन में अगर ये भाव आया है कि हम मुनि बन जाए तो बन क्यों नहीं जाते, देर क्यों लगा रहे हैं, उसके बस का नहीं है। ऐसा सुनते ही साथ जीवन साथी को अच्छा नहीं लगा कि भैया के बारे में हमारे ऐसा सोच रहे हैं। अच्छा आप ऐसी बातें तो कर रहे हैं, आप भी तो रोज प्रवचन में जाते हैं, क्या आप एक क्षण में बन सकते हैं मुनि? अपनी ही बात अपने पर लागू हो गई। कही तो गई थी हंसी हंसी में और अपनी ही बात अपने पर लागू हो गई। अभी तो